आज हम बनाने वाले हैं एक एक्सटेंशन बोर्ड। इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले दो कार्डबोर्ड के पीसेस चाहिए। इसका साइज मैंने स्क्रीन पर दर्शाया है। 5-पिन सॉकेट और स्विच को लगाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार कार्डबोर्ड को काट लेना है। मैंने यहाँ पर 3 5-पिन सॉकेट का यूज़ किया है, आप 2 भी कर सकते हैं। 5-पिन सॉकेट के साथ आपको नट बोल्ट भी मिलेगा। अब तीनों 5-पिन सॉकेट को कार्डबोर्ड के ऊपर लगाना है और उसे उल्टा मत लगाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले और वो भी एक्सटेंशन बोर्ड घर में ही कम पैसों में बना सके। 5-पिन सॉकेट पर नट बोल्ट कसने के लिए कंपास या फिर आप कोई भी चीज़ से यहाँ पर अच्छे से होल कर लेना है। अगर आपको हमारे माध्यम से कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है या फिर जानने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं आपको जैसे जैसे दिखा रहा हूँ आप भी वैसे ही नट और बोल्ट को 5-पिन सॉकेट पर कस लीजिए। वीडियो लंबा ना होने के कारण मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक नट बोल्ट कसकर दिखाऊंगा। अब स्क्रू को स्क्रूड्राइवर से थोड़ा सा कस लेना है। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगली बार सुधार लूँगा। अब नट को स्क्रू के ऊपर लगाकर थोड़ा सा ठोक देना है। फिर इसे नट को उंगली से पकड़ना है और इसे पूरा टाइट कर देना है। हाथ से नट को पकड़ने से ज़्यादा टाइट नहीं होता है, इसलिए फिर प्लायर से या फिर किसी चीज़ से भी इसको नट को पकड़ना है और स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से कस देना है ताकि ये बाद में निकल ना पाए। कभी कभी स्विच उल्टा लग जाता है, इसलिए हम नट बोल्ट इसमें बाद में कसेंगे। स्क्रीन पर मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ आप भी वैसे ही वायर को लगाना। पतला वायर यूज़ करने से वो जल जाएगा, इसलिए आप 2 mm से ज़्यादा मोटे वायर का यूज़ करें। यहाँ पर मैं आपको वायर लगाने का 2 तरीका बताऊँगा, आपको जो पसंद आए आप उससे लगा सकते हैं। तीनों सॉकेट के लेफ्ट पॉइंट पर मैंने N लिखा है, यानी कि न्यूट्रल का वायर तीनों सॉकेट पर लगाना है। वायर को आप बिल्कुल भी ढीला मत छोड़िए, वरना ये वायर इधर उधर जाकर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जितना हो सके स्क्रू टाइट करके वायर को कस लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा। फिर न्यूट्रल के वायर को स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगाना है। यहाँ पर मैं वायर कटर से वायर को छील रहा हूँ, आप प्लायर की मदद से भी वायर को छील सकते हैं। अब स्विच में वायर को लगाकर स्क्रूड्राइवर से अच्छे से कस लेना है। अब आपको दूसरा एक वायर ले लेना है और स्विच के जो पहले वाले पॉइंट था, मतलब ऊपर वाले पॉइंट पर उस वायर को लगाना है। अब मैंने वायर के 2 छोटे टुकड़े को कट कर लिया है और उन दोनों टुकड़े को फेज में यानी कि राइट साइड में लगाना है। अब दूसरे वाले वायर को लेकर पहले वाले के एंड वाले सिरे पर दोनों को अच्छे से जोड़ देना है। मोटे वायर अच्छे से कनेक्ट नहीं होते, इसलिए आप इसे प्लायर से अच्छे से दबा लीजिए, फिर उसे
5 पिन सॉकेट पर लगा दीजिए। अब उन दोनों वायर में से थोड़ा लंबा वायर लेकर इस वायर के साथ कनेक्ट करके तीसरे सॉकेट के फेज में कनेक्ट करना है और इस पर अच्छे से स्क्रू लगाना है। अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। हमारे कनेक्शन के अनुसार तीनों सॉकेट के राइट वाले साइड पर हमें न्यूट्रल मिलना चाहिए। अगर तीनों पर नहीं मिल रहा है, दो पर या फिर एक पर मिल रहा है, तो हमारा स्क्रू अच्छे से कसा नहीं है, इसे अच्छे से कसना है। अब मैं इसके साइड पर कार्डबोर्ड के टुकड़े को चिपका रहा हूँ। इसे अच्छे से और मजबूती से चिपकाना है ताकि ये बाद में निकल ना जाए। दूसरे कार्डबोर्ड के टुकड़े को मैं थोड़ा सा काट लिया है ताकि वायर बाहर निकल पाए। सबसे पहले हमने जो दो कार्डबोर्ड के पीसेस लिए थे उसमें से एक तो हमने यूज कर लिया और दूसरा इसके ऊपर में लगाना है। यहाँ पर आप ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने प्लग में से दो कनेक्टर निकाल लिया है। दोनों कनेक्टर को दो वायर में लगाना है। मैं जैसे दिखा रहा हूँ आप भी वैसे ही लगाएं। मेरे पास पुराना वाला प्लग और कनेक्टर पड़ा था इसलिए मैंने इसे यूज़ कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से इजीली 20 रुपये में ला सकते हैं। अब इन दोनों कनेक्टर को प्लग में फिट करना है। अगर यह कनेक्टर प्लग में फिट नहीं होता तो आप इसे फेबुई के द्वारा चिपका सकते हैं। अब इस प्लग पर नट और बोल्ट लगाकर इसे टाइट कर देना है। जिस दोनों वायर को हमने प्लग में लगाया था उसी दोनों वायर को एक्सटेंशन बोर्ड के दोनों वायर के साथ लगाना है। वायर को लगाने के बाद इसे चेक करना है। यदि न्यूट्रल आपका लेफ्ट में मिल रहा है तो आप प्लग को उल्टा करके लगाएं, तब न्यूट्रल आपका राइट में आ जाएगा। अब इन दोनों वायर पर हमें टेप अच्छे से लगाना है ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप एसी कनेक्ट में काम कर रहे हो तब आप चप्पल ज़रूर पहनिएगा वरना आपको करंट लग सकता है। ये मेरा होममेड ग्लूगन है। ये 220 वोल्ट एसी पर चलता है। मैं आपको इसे चलाकर दिखाता हूँ। जब मैं स्विच को ऑन करूँगा ग्लूगन का इंडिकेटर जलेगा, यानी कि हमारा एक्सटेंशन बोर्ड काम कर रहा है। बोर्ड के दोनों साइड पर मैंने टेप से चिपका दिया है। अगर यहाँ पर कोई वायर निकल गया तो हम इस टेप को खोलकर देख सकते हैं।